हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम टू एम बाइव आप सभी का वेलकम है आप सभी का स्वागत है एम बाइव के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का वेलकम आप सभी का स्वागत वेलकम टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट जितने भी लोग यहां पर जुड़ चुके हैं सभी को यहां पर वेलकम सभी को यहाँ पर गुड मॉर्निंग चलिए तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि कुछ लैपटॉप uh, इशू की वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारा जो वीकली करंट अफेयर्स का सेशन था वो कंडक्ट नहीं हो पाया था तो वीकली करंट अफेयर्स का सेशन हम आज आप सभी के साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इस सेशन में पंद्रह जुलाई से लेकर इक्कीस जुलाई के बीच के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड बनते हैं अप्रॉक्स सेवेंटी फाइव प्लस करंट अफेयर्स एंड का करेंगे डिस्कशन तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं सेशन की शुरुआत आप सभी स्टूडेंट्स के साथ सभी को वेलकम सभी को यहाँ पर गुड मॉर्निंग सभी लोग रेडी हैं देन से यस कि यस वी आर रेडी सर हम लोग बिल्कुल तैयार हैं तो एक बार यस लेकर मुझे बता दीजिएगा कि यस सर वी आर रेडी हम लोग बिल्कुल रेडी हैं और रिवीजन आपका यहां पर होगा और कल से आपका जो डेली करंट अफेयर्स वाला सेशन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो परेशान मत होइएगा ठीक है आज आप लोग वीकली करंट अफेयर्स सेशन को पढ़ लीजिए और कल से आपका जो डेली करंट अफेयर्स का सेशन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के सेशन की और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज का मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे तो आज का मोटिवेशन कोट ये कहता है कि सक्सेस इज नॉट फाइनल फेलियर इज नॉट फेटल इट इज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स यानी कि जो सफलता होती है वो कोई अंतिम सत्य नहीं है और अगर आप असफल हुए हैं तो ये भी जीवन का अंत नहीं है करेज यानी कि साहस वो होता है जो असल में काउंट होता है कितनी बार आप गिरकर उठ खड़े हो सकते हैं साहस दिखा सकते हैं वापस से उठ खड़े होने का यही अंततः काउंट होता है ओके चलिए देर नहीं करेंगे सीधा आएंगे एमसीक्यूज पर और पहला एमसीक्यू आप सभी के सामने फटाफट से सभी लोग यहां पर क्या करेंगे क्वेश्चन का आंसर देंगे तब तक मैं यहां पर अपनी जो पोजिशन है वो यहां पर चेंज कर लेता हूं और अपनी पोजिशन में यहां पर चेंज करके <coughs> आप लोग आराम से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और आंसर देना यहां पर शुरू कीजिएगा ओके okay. ओके okay, तो क्वेश्चन नंबर वन आप सभी के सामने ये रहा आराम से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और आंसर यहां पर दीजिएगा सभी लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर वन रिसेंटली आईसीसी अनाउंस इक्वल प्राइज मनी फॉर मेंस एंड वुमेन्स टीम एट आईसीसी इवेंट्स ड्यूरिंग दी कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी वॉज द सेट डिसीजन टेकन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बताइएगा इसका सही जवाब कि हाल ही में आईसीसी ने आईसीसी आयोजनों में पुरुष और महिला टीमों के लिए समान पुरस्कार राशि की घोषणा की है इक्वल अमाउंट यहां पर दिया जाएगा मेल और फीमेल क्रिकेटर्स को जो भी आ, इवेंट होंगे आईसीसी के सम्मेलन के दौरान निर्णय किस शहर में लिया गया किस सिटी में आपके यहां पर यह डिसीजन लिया गया यह क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है बताइएगा सही जवाब ये डिसीजन किस सिटी में लिया गया है ये डिसीजन किस शहर में आपका यहां पर लिया गया डिसीजन है बेसिकली क्वेश्चन आपका यहां पर ये है बताएगा करेक्ट आंसर और सभी लोग आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से सेशन को लाइक यहां पर सभी लोग जरूर कर दीजिएगा डू लाइक द सेशन एक बार सभी लोग फटाफट से सेशन को यहां पर लाइक जरूर कर दें जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है देर किस बात की फटाफट से सेशन को यहां पर लाइक सभी लोग जरूर कर दीजिएगा ओके okay? चलिए और क्वेश्चन नंबर वन का आंसर यहां पर क्या बनेगा फटाफट से मुझे लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर इस डिसीजन की अगर हम बात करें तो इसका डिसीजन जो आपके यहां पर लिया गया है वो लिया गया था साउथ अफ्रीका की डर्बन सिटी में तो इसका सही जवाब आपके यहां पर जो बनेगा इसका जो सही जवाब आपके यहां पर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डर्बन सिटी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा ओके एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड

चलिए बताएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब यहां पर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड फटाफट से आंसर यहां पर दीजिएगा सभी लोग लंबनी आर्ट की सबसे बड़ी प्रदर्शनी की बात यहां पर की गई है तो लंबनी आर्ट की सबसे बड़ी प्रदर्शनी लंबनी आर्ट की सबसे बड़ी प्रदर्शनी तो यहां पर इस प्रदर्शनी का जो टाइटल यहां पर बनता है वो क्या है सभी लोग फटाफट से पांच ऑप्शन आपके सामने है आराम से रीड कीजिएगा और बताएगा सही जवाब करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात यहां पर करें तो सही जवाब इस क्वेश्चन का आपका यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि थ्रेट्स ऑफ यूनिटी ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग आंसर यहां पर कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री लंबनी आर्ट डिस्प्ले रिसेंटली सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ड्यूरिंग दी थर्ड जी ट्वेंटी कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हाउ मेनी लंबनी आइटम्स वेयर शो केस इन दी एग्जीबिशन लंबनी कला प्रदर्शन ने हाल ही में तीसरी जी ट्वेंटी संस्कृति कार्य समूह की बैठक के दौरान नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है प्रदर्शनी में लंबनी आर्ट की कितनी वस्तुओं को आपके यहाँ पर प्रदर्शित किया गया था पांच ऑप्शन आप सभी के सामने टोटल नंबर ऑफ गुड्स या टोटल नंबर जो वस्तुएं आपकी वहां पर पेस की गई थी डिस्प्ले की गई थी उनकी संख्या थी करीब सत्रह पचपन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है रैपिड फायर मोड में आगे बढ़ेंगे तो सभी लोग जरा सा सभी लोग तेजी से आंसर करते हुए चलिएगा क्योंकि आपके पास थोड़ा सा कम वक्त होगा क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ओके तो फटाफट फटाफट आंसर कीजिएगा सुंदर सुंदर कौशल कला केंद्र प्लेड विटल रोल और वाइटल रोल इन क्रिएटिंग अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कंसर्निंग दी लंबनी आर्ट डिस्प्ले इन विच इयर डिड सुंदर लंबनी हैंड एम्ब्रॉयडरी गेट अ जीआई टैग सुंदर कौशल कला केंद्र ने लंबनी आर्ट प्रदर्शन में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और आपको ये बताना है कि जो सुंदर लंबनी हाथ की कढ़ाई होती है एम्ब्रॉयडरी होती है इसे किस वर्ष जीआई टैग दिया गया था क्वेश्चन नंबर फोर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर डी 2008 में इस प्रोडक्ट को यानी कि 2008 में यहां पर इस आर्ट को जीआई टैग दिया गया था ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव रिसेंटली ज्योति याराजी वॉन द इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल एट दी 25th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप तो आपको यहां पर बताना है कि इन विच सिटी किस भारतीय शहर में इन विच सिटी वाज द सेड चैंपियनशिप हेल्ड ध्यान से आंसर दीजिएगा हाल ही में ज्योति याराजी ने 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल आपका यहां पर जीता है इस चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया था किस सिटी में यहां पर किया गया था पांच ऑप्शन करेक्ट आंसर किस सिटी में इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था तो आंसर बनेगा बैंकॉक ऑप्शन नंबर ई थाईलैंड बैंकॉक इज द करेक्ट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स सीधा हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स का डिस्कशन करेंगे ध्यान से आंसर दीजिएगा रिसेंटली ज्योति याराजी यान दी इंडिया गोल्ड मेडल इन विच कैटेगरी हाल ही में ज्योति याराजी ने पच्चीसवीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने किस श्रेणी में पहला गोल्ड मेडल आपके यहां पर जीता था किस कैटेगरी में पहला गोल्ड मेडल जीता था 50 मीटर हर्डल्स में 150 मीटर हर्डल्स रेस में 200 मीटर हर्डल्स रेस में 100 मीटर हर्डल्स रेस में या फिर इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन नंबर सिक्स बताएगा इसका सही जवाब यहां पर क्या बनेगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा करीब 100 मीटर हडल रेस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इन कैटेगरी डिड अभिषेक पाल रिसेंटली विन अ मेडल एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभिषेक पाल ने हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस कैटेगरी के श्रेणी में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल आपके यहां पर जीता है पांच ऑप्शन सही जवाब क्वेश्चन नंबर सेवन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा दस हजार मीटर की जो रेस आपकी यहां पर बनती है टेन थाउजेंड मीटर रेस इस कैटेगरी में उन्होंने यहां पर कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता फटाफट फटाफट आंसर देते हुए चलिएगा क्वेश्चन नंबर तमिलनाडु बेस्ड फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली गॉट अप्रूवल फ्रॉम द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसी तमिलनाडु स्थित किस उड़ान प्रशिक्षण संगठन को हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से मंजूरी आपकी यहां पर मिल गई है एकेवीआई एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड चेतक एविएशन प्राइवेट लिमिटेड या फिर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी या फिर ऑप्शन नंबर ई क्वेश्चन नंबर एट बताएगा कि इसका सही जवाब यहां पर क्या बनेगा ये तमिलनाडु का पहला फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एकेवीआई एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इसके लिए मैं यहां पर हाइड हो जाता हूं। फॉर सीबीडीसी स्टैंड फॉर हाल ही में आरबीआई ने सीबीडीसी लेन देन के लिए यूपीआई क्यू आर कोड लॉन्च करने की घोषणा की है सीबीडीसी का अर्थ क्या होता है या सीबीडीसी का फुलफॉर्म आपका यहां पर क्या होता है पांच ऑप्शन सही जवाब फुल फॉर्म ऑफ सीवीडीसी कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दस आंसर दीजिएगा फटाफट से रीड कीजिएगा और आंसर यहां पर दीजिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर दस आंसर है या आंसर क्या होगा व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट रीजनल एआई न्यूज एंकर रिसेंटली लॉन्च बाय द दिशा टीवी हाल ही में उड़ीसा टीवी के द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर का जो नाम आपके यहां पर बनता है वो क्या है इस एआई न्यूज एंकर का नाम है काव्या मीशा लीजा और छाया या फिर इनमें से कोई नहीं बताएगा सही जवाब करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर दस करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा फटाफट से आंसर दीजिएगा ये जो uh, नया क्षेत्रीय एंकर है जो कि रीजनल लैंग्वेज में बातचीत कर सकता है इस एंकर का जो नाम रखा गया है वो है लीजा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर टोटल टेन एमसीक्यूज का डिस्कशन यहां पर पूरा हुआ देन डू लाइक द सेशन एवरीवन फटाफट फटाफट सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन ध्यान से आंसर यहां पर दीजिएगा द चीफ जस्टिसिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स हैव बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है पांच ऑप्शन तेलंगाना एंड केरला बिहार एंड कर्नाटका झारखंड एंड उड़ीसा मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात स्टेट क्वेश्चन नंबर इलेवन करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा तेलंगाना एंड केरला स्टेट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाइएगा फटाफट फटाफट आंसर करते हुए चलिएगा ताकि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज का रिवीज़न कर सकें क्वेश्चन नंबर 12 पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड द बिल विच लिमिट्स द पावर ऑफ द कंट्रीज अपेक्स कोर्ट हाल ही में किस देश की संसद ने देश की शीर्ष अदालत की शक्ति को पावर को सीमित करने के लिए विधेयक को मंजूरी आपकी यहां पर दे दी है कंट्री का नाम यहां पर क्या बनेगा पांच ऑप्शन सही जवाब यह कंट्री को योर नहीं बल्कि है इजराइल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन रिसेंटली दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन अप्रूव दी सेटिंग अप ऑफ टू अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स इन विच डिस्ट्रिक्ट हाल ही में उत्तर प्रदेश ने एनटीपीसी के सहयोग से किस जिले में दो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजनाओं की स्थापना को मंजूरी आपकी यहाँ पर दी है आगरा अयोध्या Uh, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज और अलीगढ़ क्वेश्चन नंबर थर्टीन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपके यहां पर बनेगा उत्तर प्रदेश सोन नदी के किनारे लोकेटेड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर द रिसेंटली पब्लिश्ड ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉवर्टी इंडेक्स ट्वेंटी India has taken out how many people out of poverty within a span of 15 years. हाल ही में प्रकाशित वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत ने 15 वर्षों की अवधि के भीतर कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है यहां पर संख्या आपसे पूछी गई है 415 मिलियन लोगों को 420 मिलियन लोगों को 425 मिलियन लोगों को 435 मिलियन लोगों को या फिर 445 मिलियन लोगों को क्वेश्चन नंबर फोर्टीन करेक्ट आंसर क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि करीब 415 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है नेक्स्ट क्वेश्चन मुखूर् नेशनल पार्क वाज रिसेंटली इन द न्यूज कंसर्निंग एफर्ट्स ऑफ कर्व पोचिंग यानी कि अवैध शिकार इन स्टेट इज द सेड नेशनल पार्क लोकेटेड नेशनल पार्क हाल ही में अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के प्रयासों को लेकर खबरों में था यह नेशनल पार्क किस राज्य में आपके यहां पर लोकेटेड है सिंपल क्वेश्चन सही जवाब तमिलनाडु स्टेट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हि नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव द्रेंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर इन फ्रांस कंट्री

रिसेंटली हाइए फ्रेंच सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर वॉज अवॉर्ड टू दर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विच ऑफ दर्सनैलिटी इज द रेसिपियंस ऑफ दीजन ऑफ ऑनर सिंपल सा क्वेश्चन यह है कि पी एम मोदी जी को इस साल लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से फ्रांस ने सम्मानित किया है तो इस सम्मान से इससे पहले कौन कौन से जो नेता है या कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन करेक्ट आंसर तो यहां पर इस सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं ऑप्शन नंबर ए नेल्सन मंडेला ऑप्शन नंबर बी एंजेला और ऑप्शन नंबर सी ये तीनों ही लीडर्स इस सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज रिसेंटली विम्बिल्डन द ट्वेंटी 2023 मेन सिंगल्स टाइटल हाल ही में विम्बिल्डन 2023 ट्वेंटी थ्री प्रोस एकल खिताब आपका यहां पर किसने जीता है पांच ऑप्शन सही जवाब आप सबको अच्छे से पता है कि इन्होंने शानदार इतिहास यहां पर रचा है पहली बार इन्होंने यहां पर विंबलडन ओपन का खिताब यहां पर जीत लिया है नाम इनका बनता है कार्लोस अल्कराज ऑप्शन नंबर सी ये स्पेन से बिलोंग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली द डिफेंस काउंसिल और ऑफ हाउ मेनी सिंगल सीटेड राफेल मरीन एयरक्राफ्ट हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने सिंगल सीटेड राफेल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दी है बाईस तेईस चौबीस पच्चीस और छब्बीस बताएगा इसका सही जवाब रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने सिंगल सीटेड राफेल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी आपकी यहां पर दी है पांच ऑप्शन सही जवाब क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सही जवाब इस क्वेश्चन का आपके यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाई सिंगल सीटेड जो विमान है मरीन एयरक्राफ्ट है उनको अप्रूवल दी है और बाकी के जो चार हैं वो डबल सीटे या डबल सीटिंग वाले एयरक्राफ्ट बनते हैं तो कुल एयरक्राफ्ट की संख्या है 26 है यानी कि 26 जिसमें से जो सिंगल सीटेड विमान है उनकी संख्या आपकी यहां पर मात्र 22 बनती है क्लियर है सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 20 रिसेंटली द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव दी ऑफ हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए कितनी स्कॉर्पियन कैटेगरी की पंडुब्बियों की खरीद को मंजूरी आपकी यहां पर दी है इन पंडुब्बियों की संख्या टोटल कितनी बनती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बताइएगा सही जवाब पंडुब्बियों की कुल संख्या आपकी यहां पर बनती है तीस ऑप्शन सॉरी तीस नहीं तीन माफी चाहूंगा तीन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर 20 एमसीक्यूज का डिस्कशन यहां पर पूरा हुआ देन डू लाइक द सेशन एवरीवन फटाफट फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक जरूर कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली चाइना लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन स्पेस रॉकेट रॉकेट द सक्सेसफुली डिलीवर्ड द इन विच ऑर्बिट हाल ही में चीन ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया है इस रॉकेट ने पेलोड को किस कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचाया है ऑर्बिट का नाम यहां पर क्या बनेगा वर्ल्ड लिक्विड ऑक्सीजन स्पेस रॉकेट इन टू ऑबिट वट इज द नेम ऑफ द सैड रॉकेट इस रॉकेट का, uh, का नाम क्या है हाल ही में चीन ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन वाला अंतरिक्ष रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया है रॉकेट का नाम यहां पर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर आपके यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड में आंसर देते हुए चलिएगा सभी लोग इन विच इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी रिसेंटली लॉन्च दी मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त एप्लीकेशन को आपके यहां पर लॉन्च किया है इस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी का नाम यहां पर क्या बनता है पांच ऑप्शन सही जवाब बनेगा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्विकली फास्ट सभी लोग आंसर देते हुए चलिएगा रिसेंटली रेजर पे लॉन्च द फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे फॉर द मलेशियन मार्केट विद करलैक एज पर द रिपोर्ट द डिजिटल ट्रेड इन मलेशिया कॉन्ट्रीब्यूट हाउ मच टू इट्स जी डी पी हाल ही में रेजर पे ने करलेक के साथ मलेशियाई बाजार के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है पेमेंट लॉन्च किया है रिपोर्ट्स के अनुसार मलेशिया में डिजिटल व्यापार उसके जीडीपी में कितना योगदान देता है मलेशिया के मार्केट में वहां पर जो डिजिटल व्यापार है ऑनलाइन ट्रेड है वो लगभग कितने परसेंट उसका हिस्सा यहां पर बनता है हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था अगर आप सभी को याद हो ट्वेंटी ये मलेशिया की जो जीडीपी है उसमें डिजिटल ट्रेड का कंट्रीब्यूशन यहां पर बनेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव Uh, who headed the Review Jury Committee, which recently declared Adani Transmission Limited as the winner of the Golden Peacock Environment Management Award 2023 in the power transmission sector? The committee us jury ka leader. नेतृत्व uh, किसने किया था जिसने हाल ही में अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड का विजेता आपको यहां पर घोषित किया है पांच ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव आंसर यहां पर बनेगा नारायण राव वेंकट चिल्लैया ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली कास्ट प्लेट्यू वॉज इन द न्यूज फॉर सिग्निफिकेंट क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल चेंजेस इन विच स्टेट इज द सेट प्लेट्यू लोकेटेड हाल ही में काोकेटेड है, से कास कहां पर है? क्योंकि जो भी चीजें चर्चा में रहती है खबरों में रहती है न्यूज में रहती है वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यह प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र स्टेट में ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन in the year of 2023 marks the 20th anniversary of maputo protocol the said protocol is associated with which of the following वर्ष 2023 मापुटो प्रोटोकॉल की 20वीं वर्षगांठ आपकी यहां पर बनती है क्वेश्चन ये है कि यह प्रोटोकॉल किससे संबंधित है लेबर्स के राइट्स से रिलेटेड है रेफ्यूजीज के राइट्स से रिलेटेड है बच्चों के राइट्स यानी कि बच्चों के अधिकारों से संबंधित है महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है या फिर ऑल ऑफ दीज सभी के सभी करेक्ट आंसर यहां पर इस क्वेश्चन का बनेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन व्युमन राइट यानी कि महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है मापुटो प्रोटोकॉल नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट वॉज द गजह कोठा कैंपेन रिसेंटली लॉन्च गजह कोठा अभियान किस राज्य में आपके यहां पर शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय मिजोरम और कर्नाटका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट करेक्ट आंसर आपके यहां पर बनेगा असम स्टेट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच डे इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन आपके यहां पर मनाया जाता है तारीख आपके यहां पर क्या बनेगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑफ जुलाई हर साल अट्ठारह जुलाई को नेल्सन मंडेला डे आपके यहां पर मनाया जाता है नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज आहूजा रिसेंटली लॉन्च अ कैंपेन फॉर बैंक्स अंडर एग्री इंफ्रा फंड द सेट कैंपेन इज नेम्ड मनोज आहूजा ने अभी रिसेंटली एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए एक नई मुहिम नई कैंपेन शुरू की है इस अभियान का नाम क्या बनता है पांच ऑप्शन सही जवाब इस अभियान का नाम है भारत कैंपेन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक आ, सरकार भी है। मतलब एक पार्टी आपके यहां पर बनाई है गठबंधन पार्टी बनाई है उसका नाम इंडिया रखा गया है ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन Where द फिफ्टींथ एडिशन ऑफ of मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड मंगोलिया नोमेडिक एलिफेंट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री रिसेंटली बिगन हाल ही में भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त अभ्यास पंद्रवा संस्करण फिफ्टींथ एडिशन नोमैडिक एलिफेंट कहां पर शुरू हुआ है इसकी लोकेशन क्या बनेगी पांच ऑप्शन ये मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आपके यहां पर शुरू हुआ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर डू इट फास्ट सेवेंटी फाइव एम से तो थोड़ा सा और स्पीड में हमें आगे बढ़ना होगा फटाफट फटाफट आंसर दीजिएगा। इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ विच स्टेट यूनियन टेरिटरी एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड मंगोलिया नोमेडिक एलिफेंट 2023 जो अभी रिसेंटली उलान बटोर में नोमेडिक एलिफेंट 2023 एक्सरसाइज आपके यहां पर कंडक्ट हो रही है उसमें यहां पर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी की लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट हिस्सा ले रही है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू करेक्ट आंसर बनेगा जो लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है ये जम्मू कश्मीर की लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट बनती है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू तो हैव फोर रनवेस एंड एन एलिटेड क्रॉस टैक्सी वे वॉट इज देंथ ऑफ द ईस्टर्न क्रॉस टैक्सी वे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला हवाई अड्डा आपका यहां पर बन गया है जिसमें चार रन वे और एक एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे है ईस्टर्न क्रॉस टैक्सी वे की लंबाई आपकी यहाँ पर क्या बनती है टैक्सी के लिए जो आपके यहाँ पर ये अलग से टैक्सी वे बनाया गया है इसकी टोटल लेंथ यहाँ पर कितनी है इसकी टोटल लेंथ है टू पॉइंट वन किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन

तो जो चार रनवे हैं उनके अलग अलग नाम हैं आपको बताना है कि ऑप्शंस में से कौन उन चार रनवेज के नाम में से एक नहीं है या फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चार रनवेज में से कौन सा ये रनवे नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये चारों आईजीआई एयरपोर्ट के चार रनवे है पांचवा ऑप्शन नंबर ई इसमें शामिल नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन

रविचंद्रन अश्विन बिकेम द सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट हाउ मेनी टेन विकेट्स हॉल डज ही ट्वेंटी थ्री रविचंद्रन अश्विन भारत के लिए दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज आपके यहां पर बन गए हैं तो 18 जुलाई 2023 कर उनके नाम पर 10 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है मतलब कितनी बार उन्होंने किसी मैच में टेस्ट मैच में कितनी बार उन्होंने 10 विकेट हासिल लिए हैं 10 विकेट हॉल उन्होंने यहां पर हासिल किया है यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होता है जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी आठ बार वो 10, मतलब आठ बार वो टेन विकेट हॉल यहां पर ले चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली जुलाई तो ये मैंने अभी, -अभी आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान बताया कि नंबर वन पोजिशन पर भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं जम्बो निकनेम है इनका नाम बनता है अनिल कुंबले सेकेंड पोजीशन पर अश्विन हो जाएंगे और थर्ड पोजीशन पर हरभजन सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अगर अभी तक एमबाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो देर किस बात की आज ही एमबाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां पर जो तो लाइव क्लासेस चल रही है उसका लाभ उठाएं नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली

which क्रिकेटर हैज बीन chosen टू लीड इंडिया men's squad फॉर 19th asian games 19वें एशियाई खेलों के लिए भारत की पुरुष टीम का नेतृत्व करने के लिए किस क्रिकेटर को आपके यहां पर चुना गया है जो कि मेल टीम को लीड करेगा इस खिलाड़ी का नाम बनेगा ऋतुराज गायकवाड़ जिनका आईपीएल में प्रदर्शन शानदार रहा था जो अभी आईपीएल गेम्स इन विच अ कंट्री इज द नाइनटीन एशियन गेम्स टेकिंग प्लेस यानी कि उन्नीसवें एशियाई खेल किस देश में आपके आयोजित किए जा रहे हैं तो एशियाई खेलों का आयोजन चाइना में आपके यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हेयर तो फोर्टी एमसीक्यू सी का डिस्कशन यहां पर पूरा हो चुका है देन डू लाइक द सेशन एवरी फटाफट से सभी लोग सेशन को यहां पर लाइक like जरूर कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक like ना किया हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर

वर्ल्ड स्नेक डे recently ऑब्जर्व हाल ही में विश्व सांप दिवस कब आपका यहां पर मनाया गया जुलाई की किस तारीख में पांच ऑप्शन सही जवाब करेक्ट आंसर बनता है जुलाई सिक्सटीन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच इंडियन इंस्टीट्यूशन रिसेंटली ऑब्जर्व इट्स नाइनटी फिफ्थ फाउंडेशन डे हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने अपना स्थापना दिवस मनाया आईआईटी दिल्ली ने एम्स दिल्ली ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने आईसीएमआर और आईसीएआर ने करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर सही जवाब इस क्वेश्चन का आपका यहां पर क्या होगा फटाफट से मुझे बताइएगा आईसीएआर ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर हेयर आईसीएआर यहां पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा ओके एवरी वन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर क्वेश्चन नंबर फोर, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली won द स्कॉच अवार्ड अंडर द थीम स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 इन द गोल्ड कैटेगरी फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स इन क्रिएटिंग मार्केटिंग एवेन्यूज हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने मार्केटिंग के रास्ते बनाने में अपने उत्कृष्ट प्रयासों के लिए गोल्ड कैटेगरी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया ट्वेंटी थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार आपके यहां पर जीतिया है राज्य का नाम या फिर यूटी का नाम यहां पर क्या बनेगा बताइएगा सही जवाब करेक्ट आंसर ये बनेगा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन तो मलेशिया में नाम की के साथ साथ की है और सही जवाब पर, बनेगा, पर अब यहाँ पर पेमेंट गेटवे की सर्विस मलेशिया में भी है आप पेमेंट वगैरह ट्रांसफर आसानी से कर पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली सिंगापुर टॉप इन द्वेंटी ट्वेंटी थ्री हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इन हाउ मेनी कंट्रीज डज द सिंगापुर पासपोर्ट है पासपोर्ट इंडेक्स आपका रिलीज किया गया था उसमें सिंगापुर ने टॉप रैंक आपकी हासिल की थी तो सिंगापुर का पासपोर्ट वीजा फ्री है कितने देशों में क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स बताइएगा सही जवाब सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो कितने देशों में वीजा फ्री है तो लगभग एक सौ बानवे कंट्रीज में यानी कि 192 कंट्रीज में जो सिंगापुर का पासपोर्ट है वो आपका वीजा फ्री है और कोई भी पासपोर्ट कितना पावरफुल है वो इसी बात से तय होता है कि वो कितने कंट्रीज में वीजा फ्री है नेक्स्ट क्वेश्चन विच यूनियन सॉरी विच विच यूरोपियन कंट्रीज फेल टू सिक्योर द सेकेंड स्पॉट ऑन द रिस पब्लिश 2023 ट्वेंटी थ्रीले पासपोर्ट इंडेक्स हाल ही में प्रकाशित 2023 हजार पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा यूरोपीय कंट्री दूसरा स्थान हासिल करने में विफल रहा क्योंकि टोटल तीन कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग सेकंड है मतलब वो तीनों कंट्री ही एक साथ सेकंड रैंक होल्ड करते हैं तो कौन सा यहाँ पर जो कंट्री है वो उसमें आपके यहाँ पर शामिल नहीं है नॉर्वे सेकेंड पोजिशन पर आपका नहीं है सेकेंड पोजिशन पर स्पेन जर्मनी और इटली जो कंट्री है वो आपके मौजूद रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पासपोर्ट ऑफ विच ऑफ दंट्रीज वॉज नॉट इन दॉटम फाइव ऑफ द रीसेंटली पासपोर्ट इंडेक्ट यानी कि सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट यानी कि सबसे निचले जो पांच कंट्री है जिनका पासपोर्ट सबसे कम शक्तिशाली है उन बॉटम फाइव कंट्रीज में कौन सा कंट्री आपके यहां पर शामिल नहीं है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट करेक्ट आंसर बॉटम फाइव कंट्रीज में कौन सा कंट्री आपके यहां पर शामिल नहीं है जिसका पासपोर्ट सबसे वीक है सबसे कमजोर है तो ईरान इसमें आपके यहाँ पर शामिल नहीं है ईरान इसमें आपके यहाँ पर शामिल नहीं है ठीक है और अफगानिस्तान के पासपोर्ट की बात करें तो अफगानिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट या सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट यहां पर बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन एज रिसेंटली फॉलोइंग इंडियन सिटीज वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बी इनग्रेटेड इन नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री हाल ही में की गई घोषणा के हिसाब से नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन का उद्घाटन पर किया जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तो आंसर यहां पर बनता है सूरत सिटी ऑफ गुजरात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग विल बी इनग्रेटेड इन वन ऑफ द इंडिया वन ऑफ द इंडियन सिटीज मीन सूरत क्चर फॉर्म डिजाइन द सेट बिल्डिंग सिंपल सा क्वेश्चन ने इस बिल्डिंग का डिजाइन यहां पर तैयार किया है उस कंपनी का नाम यहां पर क्या बनता है मोर्फोजेनेसिस ऑप्शन नंबर ए ये वो कंपनी है जिसने इसका डिजाइन यहां पर तैयार किया है तो टोटल फिफ्टी एम सी क्यू इसका डिस्कशन यहां पर पूरा हुआ देन डू लाइक द सेशन एवरी वन जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है देर किस बात की फटाफट से सेशन को यहां पर लाइक जरूर कर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर द रिसेंटली रीसेंटली पावर जनरेटेड पावर जनरेटेड फ्रॉम द गोडा पावर प्लांट विल बी ट्रांसमिटेड टू विच ऑफ कंट्री जो अभी रिसेंटली गोडा पावर प्लांट्स में जो भी बिजली आपके यहाँ पर प्रोड्यूस की रही है प्रोड्यूस की जा रही है इस बिजली को किस देश को आपके यहाँ पर भेजा जाएगा या किस देश में इसको यहाँ पर ट्रांसमिट किया जाएगा तो गोडा पावर प्लांट आपका झारखंड स्टेट में लोकेटेड है और यहाँ से जितनी भी बिजली प्रोड्यूस होगी वो बांग्लादेश को आपकी यहाँ पर सप्लाई की जाएगी इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी डिड दी हरेला फेस्टिवल 2023 रिसेंटली बिगिन हाल ही में हरेला महोत्सव दो किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आपका यहां पर शुरू हुआ है करेक्ट आंसर स्टेट का यहाँ पर क्या बनेगा उत्तराखंड स्टेट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन

जिसके बलबूते उसने टॉप रैंक यहां पर हासिल की है वो है 80.89 ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट सिक्योर द सेकंड पोजीशन ऑन द रिसेंटली पब्लिश्ड नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2023 हाल ही में प्रकाशित नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में किस राज्य ने दूसरा स्थान यहां पर हासिल किया है, है सेकंड रैंक यहां, यहां पर किस स्टेट की रही तो सेकेंड पोजीशन पर जो स्टेट रहा वो रहा आपका महाराष्ट्र स्टेट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए मुझे यहाँ पर हाइड होना होगा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनोग्रेटेड द न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग एयरपोर्ट पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किस हवाई अड्डे के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन यहां पर किया है तो ये आपका एयरपोर्ट बनता है वीर साव कर, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये एयरपोर्ट आपका लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में तो ये भी साथ ही साथ याद रखेगा क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड एंड इंटरनेशनल सॉरी इंटर कॉन्टिनेंटल इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब है जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार कर सके एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मारने की क्षमता जिस मिसाइल में होती है उस मिसाइल को इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं मिसाइल का नाम है मिसाइल का नाम है हुआसोंग हुआसोंग 18 तो ये मिसाइल किस देश की मिसाइल आपके यहां पर बनती है क्वेश्चन नंबर 56 बताएगा हुआसोंग 18 किस देश की मिसाइल है तो ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल आपकी यहां पर बनती है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच मोबाइल skill कंपनी हाल डेवलपमेंट सेंटर इन गुजरात स्टेट इन कोलेबोरेशन टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ सहयोग से गुजरात में फाइव जी कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की योजना यहाँ पर बनाई है कंपनी का नाम यहाँ पर क्या बन जाएगा कंपनी आपकी यहां पर बन जाएगी जो एक समय भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी थी नाम बनेगा नोकिया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन

त्रिनेत्र टू रिसेंटली कंडक्टेड ऑपरेशन त्रिनेत्र टू भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था पांच ऑप्शन सही जवाब क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन सही जवाब बनेगा जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर द रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश बाई द नीति आयोग हाउ मेनी इंडियंस एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन दाइव इयर्स नीति आयोग के द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पांच वर्षों में कितने भारतीय बहुआयामी गरीबी से बच निकले हैं यानी कि अब वो गरीबी रेखा से ऊपर है अब वो गरीबी रेखा में नहीं आते तो करीब करीब साढ़े तेरह करोड़ जो भारतीय हैं वो अब यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर है नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली एनुअल बोनालू फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन दी हैदराबाद सिटी विच डाइटी ड्यूरिंग फर्स्ट एंड लास्ट डे हाल ही में हैदराबाद सिटी में वार्षिक बोनालू महोत्सव आपके हाँ पर मनाया गया त्योहार के पहले और आखिरी दिन किस देवता या देवी की पूजा यहाँ पर की जाती है तो गॉडिस यूलम्मा गॉडिस येलम्मा की पूजा यहाँ पर की जाती है त्यौहार के पहले और आखिरी दिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू बोनम इज इंटीगल

एज पर द रिसक आई आई टी कैंपस बी ओपन तस्ताक्षर के बाद विदेश में दूसरा आईआईटी परिसर कहां पर ओपन किया जाएगा तो अब जो दूसरा आईआईटी परिसर आपके यहां पर ओपन किया जाएगा वो ओपन किया जाएगा आपका अबुधाबी में तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है इससे पहले आई मद्रास ने अपना एक कैंपस तंजानिया में स्टेब्लिश किया गया किया था जो कि भारत की पहला इंस्टिट्यूशन और पहली आईआईटी बनती जिसने फॉरेन कैंपस स्टैब्लिश किया नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन शटलर सात्विक साईराज रन रेड्डी मेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्ट्राइकिंग अ फास्टेस्ट स्मैश इन द ऑनगोइंग कोरिया ओपन 2023 द सेट स्मैश वाज डन एट अ स्पीड ऑफ भारतीय शटलर सात्विक साईराज रन ने कोरिया ओपन 2023 में सबसे तेज बैडमिंटन शॉट यानी कि स्मैश गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और यह जो शॉट उन्होंने लगाया वो कितनी स्पीड से आपके यहां पर लगाया था तो इस शॉट की रफ्तार थी पांच किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन शटलर सात्विक सायराज रंकी रेड्डी मेड अगिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्ट्राइकिंग द फास्टेस्ट स्मैश इन दोइ कोरिया ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री लेकिन क्वेश्चन रिकॉर्ड वॉज इन द नेम ऑफ विच शटलर यानी कि, कि इससे पहले का जो रिकॉर्ड था सबसे तेज शॉट मारने का ये रिकॉर्ड किसके नाम था तो इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो तान बून हियोंग नाम के बैडमिंटन खिलाड़ी के नाम था ऑप्शन नंबर ए इज द राइट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन बस दस उसका रिवीजन और बाकी है हिम्मत मत हारेगा हारिएगा और पूरा वीडियो देख के जाइएगा सेशन को लाइक वो लोग जरूर कर दें जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो होज द फेमस बुक टाइटल इस ट्री एंड सरपेंट अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट इन इंडिया इस किताब के राइटर यहां पर कौन बनते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सही जवाब राइटर का नाम बनेगा जॉन गाय ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर या नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली म्यांमार इज हाल ही में भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना में एक बड़ा विकास देखा मतलब एक बड़ा डेवलपमेंट जो आपका है यहाँ पर हुआ है तो इस राजमार्ग की जो लंबाई यहाँ पर बनती है वो कितनी है हाइट यहाँ पर कितनी है इस हाईवे की जो हाइट आपकी यहाँ पर बनती है वो हाइट यहाँ पर कितनी है पांच ऑप्शन सही जवाब क्वेश्चन नंबर 67 करीब करीब 1400 किलोमीटर लंबी इसकी हाइट या सॉरी लेंथ आपकी यहां पर बनती है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली म्यांमार इंडिया थाईलैंड ट्रायलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट विटनेस्ड अ मेजर डेवलपमेंट आपको ये बताना है कि विच फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर वॉज फर्स्ट टू प्रपोज द सेट प्रोजेक्ट किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री ने सबसे पहले इस परियोजना का प्रस्ताव आपका यहां पर रखा था तो इस परियोजना का प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपका यहां पर रखा था ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द एंड ऑफ द फेमस इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्रोलेट्रल हाईवे प्रोजेक्ट इज एट विच प्लेस इन इंडिया प्रसिद्ध भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना का जो अंत होता है मतलब कि ये जो छोर आके खत्म हो जाता है इस हाईवे का वो भारत के मणिपुर स्टेट में आकर खत्म होता है और मणिपुर स्टेट में मोरह नाम की लोकेशन पर आकर ये थाईलैंड ये जो प्रोजेक्ट है हाईवे प्रोजेक्ट वो खत्म होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी अः उसी के ऊपर क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द सेड हाईवे बिगन इन विच ईयर मतलब इस हाईवे प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आपका यहां पर कब शुरू हुआ था क्वेश्चन नंबर करेक्ट आंसर बनेगा 2012 में इसका जो निर्माण कार्य था वो आपका शुरू हो चुका था वन क्वेश्चन नंबर ग्रह लक्ष्मी स्कीम हाल ही में किस राज्य ने ग्रह लक्ष्मी योजना का पंजीकरण जो है वो आपके यहां पर शुरू कर दिया है स्टार्ट कर दिया है तो ग्रह लक्ष्मी योजना की बात करें तो इसका रजिस्ट्रेशन कर्नाटका स्टेट ने शुरू कर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी द चाचिन 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 ग्रेजिंग ग्रेजिंग फेस्टिवल रिसेंटली हाल ही में Chachin चराई उत्सव जिसमें एनिमल्स करते हैं चरते हैं चाचिन चराई उत्सव किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपका यहां पर मनाया गया क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री आप सभी के लिए यहां पर रहने वाला है होमवर्क तो सभी लोग इसे होमवर्क के तौर पर घर लेके जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री आप सभी के लिए यहां पर है होमवर्क तो अच्छे से नोट कर लीजिए इसको ठीक है एक सौ पांच जो एंटीक आइटम है प्राचीन वस्तुएं जो भारत को लौटाई है कंट्री इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर भी आप सभी के लिए यहां पर रहेगा होमवर्क क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर भी आप सभी के लिए यहाँ पर होमवर्क है जस्ट अ मिनिट एमबाइव लेंस एप्लीकेशन को आपने अगर अभी तक डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा एम्बाइव लेंस एप्लीकेशन की मदद से आप थ्री में सीख सकते हैं आपको जिस भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या जिस भी पर्टिकुलर आर्टिकल जिस भी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में सर्च करना हो आप उससे रिलेटेड कीवर्ड वर्ड यहाँ पर सर्च करेंगे और आप यहाँ पर थ्री में सीख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटी फोर आप सभी के लिए यहाँ पर रहेगा होमवर्क तो ये भी आप सभी के लिए होमवर्क है अच्छे से नोट कर लीजिए भाई सभी को इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है ठीक है एंड क्वेश्चन नंबर 75 भी आप सभी के लिए यहाँ पर रहेगा होमवर्क तो टोटल तो तो तीन क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर होमवर्क रहेंगे ओके okay, तो 75 एमसीक्यूज का डिस्कशन यहाँ पर हुआ पूरा देन डू लाइक द सेशन सभी लोग सेशन को लाइक like यहां पर जरूर कर दीजिएगा और आई होप कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा आपको आज का सेशन और शानदार आपका रिवीजन रिवीजन पर कंप्लीट हो गया होगा, then say yes कि हाँ बिल्कुल पूरा आपको इसी तरह से मिल जाएंगी और जल्द ही ये क्लासेज लाइव भी आपको देखने को मिल जाएंगी इशू आप सभी को पता है तो एक या दो दिन के अंदर ये इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा तब तक हम क्लासेस इस तरीके से कंडक्ट करेंगे okay. फर्दर अपडेशन के लिए मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट देता रहूंगा थैंक यू सो मच एवरीवन कीप एम बाइविंग बिकॉज़ एम बाइविंग इज बेटर देन लर्निंग थैंक यू सो मच एवरीवन कीप एम बाइविंग वी बिलीव इन यू